गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट रैशनल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर जानने के लिए हम सबसे पहले बिल्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बिल्स, दिस इज बिल्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है आपने क्लासेस में पढ़ा है, 1, 2, 3, 4, 9, ठीक है। दिस इज फॉर होल नंबर, व्हाट इज दिस वन, 0, 1, 2, 3, 4 एंड लाइक दैट, ठीक है। दोनों के इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कोई फिक्स वैल्यूज नहीं होते। नेक्स्ट होल नंबर्स के बाद आता है इंटीजर्स, इंटीजर्स, ओके। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ओके। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर में क्या जुड़ा, व्हाट इज बीइंग एडेड? यहाँ पे ऐड होता है फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। फ्रैक्शनल क्या होता है पहले ही पढ़ा था, याद होगा आपको, 1/2, 3/4, 5/7, ठीक। दिस आर ऑल व्हाट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ओके। नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है, इंटीजर्स आल्सो इज ए रैशनल नंबर, ओके। तो जब भी हम रैशनल नंबर का डेफिनेशन लिखते हैं तो मोस्ट इसके बाद मोस्ट नंबर कौन से, इंटीजर्स, ठीक है। क्योंकि सारे नंबर्स इंटीजर्स में होते हैं इसलिए इंटीजर्स काउंट करते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर ये चीज़ समझना होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए, नेचुरल नंबर आप दो विच आर आपका नेचुरली, ठीक है। नेचुरल काउंटिंग आप सिंपल से काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, है ना, दिस आर व्हाट नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कब आते हैं, जब हम को जरूरत पड़ती है जीरो की, ठीक है। 10, 100, 1000 ये सब जब हम नंबर की बात करते हैं, या कहीं पे 1-1 करें, ठीक है। जरूरत कहाँ पे आएगी, 1-1 यहाँ पे क्या आता है, हम लिखते हैं जीरो। व्हाट इज़ जीरो? जीरो इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं होता, आपने पढ़ा भी है क्लासेस में, जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है, इसलिए हम होल नंबर में आते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है, ऐसे नंबर्स जो प्लस या माइनस साइन के साथ होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। दोज नंबर्स विच आर हैविंग साइंस पॉजिटिव और निगेटिव। तो आप इंटीजर्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये +1 है, +2 है, +3 है, ठीक है। नंबर्स कभी भी होता है इसमें पॉजिटिव साइन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब वो पॉजिटिव नहीं है, ऐसा नहीं है, दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सो दिस आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दिस आर निगेटिव इंटीजर्स, ये कितना भी हो सकता है, ओके। अब आते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फॉर्म इस तरह से होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नंबर इसलिए नहीं बनते हैं, फ्रैक्शन नेगेटिव कभी नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए फ्रैक्शन को रैशनल नंबर कहना पूरी तरह गलत होगा, ठीक है। हाँ, रैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, रैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन में माइनस साइन लगाते हैं तब, ठीक है, -3/4, -1/7 कोई भी हो, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर में आएंगे। लेकिन फ्रैक्शन में आप इसको नहीं बोल सकते, ओके, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, रैशनल नंबर में आएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या है, रैशनल नंबर। क्योंकि जब इंटीजर्स की बात आती थी, इंटीजर्स पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, है ना, यहाँ पर पढ़ें -1, 2, 3 या -10 जो भी नंबर आप ले सकते हैं, ओके। सो निगेटिव नंबर्स आर, निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आते हैं रैशनल नंबर। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, सिंपल सा आप आइडिया लीजिए। लेकिन फ्रैक्शनल फॉर्म में नेगेटिव नहीं होता, लेकिन इसमें नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन
मतलब यहाँ पे माइनस थ्री बाई फोर अगर है तो रैशनल नंबर है, लेकिन फ्रैक्शन में हमने कभी नहीं पढ़ा कि माइनस थ्री बाई फोर कुछ होता है। ओके, सो ये नोट्स आप लोग बना लगे सबसे पहले, अगर नहीं समझ में आ रहा देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। तो मैंने कहा आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में, सो हम यहाँ पे लिखते हैं दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, कौन सा फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में, वेयर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर होगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि जीरो से किसी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये हो गया आपका रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन, सिंपल सा बेसिक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, ये नंबर चार्ट हो गया, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, आफ्टर दैट रैशनल नंबर इज व्हाट, दोज नंबर्स विच आर रिटर्न और कैन बी रिप्रेजेंटेड भी लिखा जाता है, विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत ईजी मेथड है। ठीक है, इतना डेफिनेशन आपको याद रखिएगा, ये करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन, नेक्स्ट है नाउ रिप्रेजेंटिंग इन नंबर लाइन। ठीक है, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन इन नंबर लाइन, एक एग्जांपल लेते हैं 2 बाई 3 माइनस 5 बाई 7। ठीक है, आई हैव टेकन बोथ ऑफ द नंबर्स, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। सो 2 बाई 3 कहना तो वेरी स्मॉल है, सबसे पहले आपको नंबर लाइन खींचना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी होता है इसलिए हम नंबर लाइन को दोनों तरफ दिखाते हैं, माइनस वन वन टू और ये होता है माइनस टू। ओके, सो अब देखिए सबसे पहले हम इस पे आते हैं, व्हाट इज दिस वन, 2 बाई 3, 2 बाई 3 में नीचे का नंबर क्या है, डिनोमेटर क्या है, 3। सो इन ईच यूनिट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक फिर अगेन एक यूनिट, दिस इज वन यूनिट, दिस इज वन यूनिट। तो एक यूनिट को आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते जाना है, सो वन टू, तीन पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब तीन लाइन में खींचना है, 1 2 3, देखिए तीन पार्ट्स अलग अलग हो गए। ओके, सो थ्री पार्ट्स में जब आप डिवाइड करते हैं तो इस तरह से डिवाइड करेंगे, अब पहला पार्ट क्या होगा, 1 बाई 3 होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, 2 बाई 3 होगा, और तीसरा होगा 3 बाई 3। 3 बाई 3 देखिए एग्जैक्टली 1 2 पर आ रहा है, दोनों बराबर हैं, 3 कट के 3 कट 2 1 बचेगा, तो 1 इसको आप 1 बाई 1 भी लिख सकते हो, 1 बाई 1 के लिए क्या होगी, 1, इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए, 3 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 1, 1 बाई 1 इक्वल टू 1। ओके, यहीं से आपको समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पे हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 को आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, ये हमको रिप्रेजेंट करना है, समझ में आया। तो ये तो हो गया 2 बाई 3 की बात, नाउ कमिंग टू द 5 बाई -5 बाई 7, अगेन वी विल ड्रॉ नंबर लाइन, नाउ दिस इज -5 बाई 7, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, तो 7 पार्ट्स में करना है, -1 -2, ज़्यादा इधर रखने की जरूरत नहीं। अब डिनोमिनेटर कितना है, 7, प्रोसेस वही है, बस काउंटिंग उल्टा होगा, डिनोमिनेटर कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला मिला के 7 होगा। ठीक है, तो -1 बाई 7, -2 बाई 7, -3 बाई 7, -4 बाई 7,
माइनस फाइव बाई सेवन, माइनस सिक्स बाई सेवन, और ये लास्ट आता है माइनस सेवन बाई सेवन। देखिए ये क्या हो रहा है, माइनस सेवन बाई सेवन दोनों बराबर है, इक्वल टू माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस वन बाई वन, तो करके क्या आएगा माइनस वन। ये चीज़ें आपको याद रखना है, ओके। माइनस दोनों अगर बराबर है ऊपर नीचे वन में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस साइन एक लगा है तो नीचे भी माइनस वन आएगा, ओके। ये रिजल्ट हो गया। देन सो व्हाट यू हैव टू रिप्रेजेंट, माइनस फाइव बाई सेवन, माइनस फाइव बाई सेवन ये दिख रहा है आपको। सो इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, ओके। दैट इज ईजी एंड सिंपल, कुछ भी नहीं करना है आपको, ईजी तरीका है। आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज वन में कुछ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंपल सा आपको देखना है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे की वैल्यू। यहाँ तो ठीक है, यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्सरसाइज वन का, दूसरा है रैशनल नंबर बनाना है। तो किसी भी नंबर के नीचे आप वन डाल सकते हैं, क्योंकि क्यू की वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। तो ये नंबर आपको दिया फाइव दिया, तो फाइव बाई क्या करना है आपको, फाइव आपको दिया है, फाइव बाई वन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्ट इनटू रैशनल फॉर्म जब भी क्वेश्चन होगा आप ये करोगे, आइडेंटिफाई करोगे तो नीचे आपको चेक करना है जीरो है कि नहीं। जीरो नहीं है तो ठीक है, जीरो है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ओके। सो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ये एक्सरसाइज टू में क्वेश्चन है, नंबर लाइन पे बेस्ड, इनको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आई शेयर सम मोर क्वेश्चन एंड सम मोर आइडियाज़। थैंक यू।